भाई लोग, आज का सीन है खुजदार का, जो कि बुरी तरह से फेल हो गया, बताना नहीं किसी को, वरना लोग देखेंगे नहीं। जनाब मैं तो हेलो हेलो करके थक गया। आप लोग की आवाज आ रही थी, घूम रहे फिर रहे थे इधर उधर, आप लोग की आवाज ही आ रही थी बस। जी बोले, गाड़ी के वाले से ना मुझे आवाज आ रही नहीं थी तो मैंने। चले खैर कोई बात नहीं, कोई बात। मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ बलोचिस्तान, वहाँ से हम जाएंगे मोला चुटक। खुजदार खुजदार से मोला चुटक। 4 बजे तक की मैंने इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर ली कि गाड़ी आपकी कराची से कोटा के लिए रवाना होगी। जी बिल्कुल। अगर इसके बाद लेट एग्जिट होती तो इन्फॉर्मेशन एक्सपायर हो जाएगी, हमारी जाने से कॉल रिसीव हो जाएगी। जनाब कॉल कर देना आज से, ऐसे नहीं हमें छोड़ दो लवारिसों की तरह, कॉल कर देना, कॉल कर देना अगर कोई ऐसा हो जाए तो कॉल कर देना। आप मुझे ये बताएं कि अगर इस्तेमाल होती है गाड़ी रात 3 से 6 तो इग्निशन पे भी गाड़ी को क्लियर रखा जाए। जी ठीक, गाड़ी क्लियर रहेगी। भाईजान ले लो, भाईजान भाईजान पैसे ले लो, भाईजान भाईजान पैसे ले लो भाईजान। भाई लोग कोयटा के बॉर्डर पे पहुंच चुके, मजाक भाईजान। खाना हम लोग वहां से लेना भूल गए, अभी सारी दुकानें बंद है, कहीं भी खाना नहीं है, नो खाना, नो खाना एट ऑल। क्या करते हैं कुत्ती जी, कुत्ती पकड़ रहे थे। क्यों पैसे रख रहे हैं, मेरे पास है ना, और ये वाली दे दे, बहुत खट्टी है यार, सर दर्द के लिए उठाया। ये पैनाडोल खाएगा, मैं पान खाऊंगा, ग्लूकोज खाएगा, फिर खाएंगे हम लोग बलोचिस्तान का पान। हाँ तकरीबन 4 घंटों का सफर कर लिया, कुछ घंटे रह गए और मोला चुटक पहुंचने वाले। मोला चुटक पहुंच ही ना जाए भाई, क्योंकि हालत खराब है, हमें पता नहीं है। दूसरी बात ये कि जब भी ऐसे लंबे टूर पे जाओ, अपने साथ दो ड्राइवर रखो कम से कम। इस वक्त हमारे पास एक मेल ड्राइवर था, खतरनाक फास्ट एंड फ्यूरियस वेन डीजल, और एक और था हमारे पास पोल वॉकर, उमर अली वाजा साहब, दोनों ही खतरनाक किस्म के ड्राइवर। भाईजान ऐसे हालात हो जाते हैं कंटिन्यूसली 6 घंटा ड्राइविंग करने के बाद। कभी भी हमारी तरह मुंह उठा के चले आना, अपने साथ गाइड लाजमी तो भी रखना। इसके लिए मुझे कैमरा ऊपर करना पड़ रहा था ना भाई, काम नहीं कर रहा भाई। ये देखे कौन है, ये शख्स कौन है, ये शख्स कौन है, फोकस भी नहीं हो रहा है शख्स के ऊपर, छोड़ दो नहीं देखना, कैंसल। यकीन मानो कराची वाले हम लोग 16 डिग्री 17 डिग्री में हम लोग को सर्दी लगती है, यहाँ पर जो माइनस में जा रहे हैं और हालत पतली हुई है, देख लो ग्लव्स वगैरह पहने में, वैसे लग रहा है मरी वरी आए हैं। फोटोग्राफी चल रही है पीछे हम लोग के, और बस 100 किलोमीटर दूर है हम लोग, फिर अल्लाह खैर करे। सेकंड टिप ये है कि जब भी जाओ उधर के हालात का पता करके जाओ, हालात खराब थे हमें पता नहीं था, हम पहुंच रहे थे, मौज मस्तियों में लगे हैं, सीनरी देख रहे हैं, खुश हो रहे। जब वहां पर आपके भाई ने एंट्री मारी, पहला कदम ही लिया तो पता चल गया उस्ताद सीन खराब है, चारों तरफ से लोग घूर घूर के देख रहे हैं कौन से नमूने आ गए हमारे गाँव में, और वहाँ के लोग क्लाशन कोफे करने AK-47 M4A1 लिख के घूम रहे हम लोग के पीछे पीछे। भाई लोग खुजदार में एंट्री मार ली है, जरा सा रास्ता रह गया मोला चुटक का, वहाँ पहुँचेंगे सीन सपाटे करेंगे। तो सोचा उनकी गोलियों से पहले अपने बम क्यों न फाड़ते भाई। 10 रुपये का लेटरिन, 10 रुपये का लेटरिन। भाई को एक होटल नजर आ गया, होटल वाला बोला सेठ तशा लाका हम कॉफ़ी बनाएंगा, कॉफ़ी उन्होंने पी नहीं थी, आपका भाई ड्राइव मारा था कॉफ़ी पिलाने की, खुद भी पीनी तलब लगी हुई थी, शहर के बीच में आग लगा, लोग बोलते आप कौन हो भाई, काम होने वाले थे, क्या हो गया तबे तबे सुर में, अगर मैंने दूध डाला कॉफ़ी फाड़ के निकाला शो भरम में, लेकिन मसले की ज़्यादा हो गई। Everything that happens now is happening now. What happened then? Past that. When? Just now. We're it now, now. Go back to then. When? Now. Now? No. I can't. Why? We missed it. When? Just now. I see this away. एक तो मैंने कॉफ़ी बनाई बड़े बड़े जद्दोजहद के साथ, मैंने कॉफ़ी बनाई थी और कॉफ़ी जो है किसी को पसंद नहीं आई, कड़वी थी, किसी ने पी नहीं। ओके भाई लोग, अल्लाह हाफिज़। भैयान बड़ा अजीब सीन हो रहा है, तकरीबन 8-9 लोग हैं अलग अलग साइड पे और कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं हमें, वॉच कर रहे हैं, काफ़ी नोट किया मैंने भी और वाजा ने भी, और जो है कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं हमें, जहाँ हम जा रहे हैं उधर वो लोग आ रहे हैं, तो ये कि अभी खुजदार से निकलेंगे और जगह चेंज करके हम लोग चेक करते हैं।
आपका भाई अभी गाड़ी चलाने वाले पर है मेहरबानी सीट के बोलान में नहीं पहन ले टांगे फसा दे क्योंकि अब फास्ट एंड फ्यूरियस 7 बनने वाली 7 तो बन चुकी है 9 बनने वाली 10 10 10 11 बनने वाली है तो पेप्सी पिएंगे तो ड्यू करेंगे ये लो ए फटखटोर एक बस चला पहले इसको ऑन कर दे ट्रैकर वो लॉक खोल ले उसका जान दे हां गाड़ी में साफ शक्ल दिखा दे एक बार अरे जब तक इसको टाइट यार इस तरफ कौन सा गियर होता है हां बस तेरे में भरे तू चलाएगा भाई तू चलाएगा मेरे को तो नहीं पता गियर कैसा होता है मैं बंद गाड़ी में गिरे क्यों मार रहा है पहला सेकंड सही है समझ गया ना फर्स्ट सेकंड थर्ड वाह वाह फुल्ले याद होने वाला है तुम उतर इधर मेरी तरफ कर हम लोग को देखेगा सही है जब मैं नीचे गिर जाता है मुझे बताते रहना मैं ऊपर करता हैंड ब्रेक उतार सही याद है अल्लाह मालिक है ये तो नहीं राजा तू जा तू जा तू जा तू पीछे अबे तो गाड़ी पीछे जा रही है तू काट नहीं था कोई भी आ जा ये तो गाड़ी पीछे जा रही है उस्ताद सीधे भाई अपना ये राइट लेफ्ट साइड देख ले बस अभी जाने दे ये क्या हो रहा है सर ओके ब्रो ब्रो गॉट इट ब्रो आप लोग भी कह रहे होंगे कितने बड़े फट्टू है यार डर के भाग गए दादा डर लगा पता है क्यों क्योंकि पहले लोग हम लोगों से बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे हैं चाय पी लो हमारे साथ आके बैठो हमारे उताक में आओ बैठो मेहमान हो आ फलाना ढिमकाना ऊपर दोस्त के घर से कॉल लगे भाई जान कोई चाय का पूछे मत जाना अगवा कर लेंगे हम लोगों ने बोला उस्ताद भागो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई जान जब भी जाओ अपने साथ गाइड रखो अकेले मुँह उठा के नहीं जाओ हालात का पता करके जाओ ऐसे जाओगे तो पूरे हालात हो जाएंगे तो ऐसी बात है अपने शहर से बहुत दूर जा रहे हो पता होना चाहिए और विदाउट सेफ्टी नहीं जाओ हमने पास भी असला तो रखा हुआ था अल्लाह का शुक्र लेकिन फिर भी यार मतलब अभी काउंटर स्ट्राइक तो चल नहीं रही है तो इसलिए केयर करो अपनी भी दूसरों की भी तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे कभी ना कभी टिल देन पीस आउट भाई मजे लगे हुए इन लोगों के ये कर क्या रहे हैं इधर लग गए